हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इक्वल एजुकेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो देखो, नाम से पता चलता है हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन इज वॉट। हाइड्रोकार्बन यहां पर दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज कार्बन। इट मीन्स दैट हाइड्रोकार्बन इज वॉट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन CH4। अभी देखो मीथेन के पास क्या है, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज अ हाइड्रोकार्बन। अगर इथेन की बात करें तो इथेन भी क्या होता है अभी? C2H6। तो ये भी हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन एक सिंपल वर्ड है, दैट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन। वी कैन से द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाउ स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके पास केवल और हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स होते हैं। तो यहां पर पहले सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एलिफेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स में जो होते हैं ब्रेक होते हैं। अब एलिफेटिक कौन होते हैं? एलिफेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ओपन चेन होती है। कार्बन की क्या होती है? ओपन चेन होती है। मतलब कार्बन एटम क्या होते हैं? ओपनली ऐसे एक सीक्वेंस होता है, मतलब ये क्लोज नहीं होगी। क्लियर बात है? अभी साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम्स एक सर्कल में अटैच होते हैं। मतलब जो लास्ट कार्बन होगा वो फाइनली जाके वापिस आपके फर्स्ट वन कार्बन से अटैच होगा। क्लियर है? तो जो ओपन चेन रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक, और साइक्लिक किसको बोलते हैं? जो क्लोज्ड रिंग रखते हैं, क्लोज्ड रिंग ऑफ कार्बन, तो वो होते हैं साइक्लिक। अभी हमारे पास जो एलिफेटिक होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अभी एल्केन्स कौन होते हैं? अभी सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स की बात करें तो यहां पर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। क्लियर बात है? लेकिन जब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड में जो एल्कीन्स होते हैं, उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। किससे भाई? डबल बॉन्ड से। और जो एल्काइन्स होते हैं उसमें कार्बन एटम क्या होते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर बात है? इन सबके नेम होते हैं एंड विद एन, जैसे कि मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इन सबके जो नाम होते हैं अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स होते हैं। कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ कार्बन एटम कंसिस्ट ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? इनको बोलते हैं एल्कीन्स। तो इनके नाम भी ऐसे ही होते हैं, जैसे एल्कीन का नाम होता है इथीन। मिथीन नहीं होता है भाई, मिथीन में सिंगल वन ही कार्बन होता है, इसलिए मिथीन कंपाउंड ही नहीं होता है। क्लियर है? इथीन होता है, प्रोपीन होता है, ब्यूटीन होता है, ठीक है? ऐसे ही एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? एटलीस्ट वन कार्बन एटम के बीच में क्या, दो कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हम लोग के पास एलिफैटिक है जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं। एक होता है नेक्स्ट साइक्लिक। क्लियर है? अब साइक्लिक की अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक अगेन हमारा टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक।
अभी एलीसाइक्लिक कौन होते हैं? एलीसाइक्लिक होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन्स। यहां पर क्या होता है, कार्बन एटम्स की एक रिंग होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एरोमेटिक होते हैं उसमें भी कार्बन की रिंग होती है। भाई साइक्लिक के पार्ट है तो दोनों में रिंग्स तो होंगी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, एरोमेटिक में जो कार्बन एटम्स की रिंग बनती है, कार्बन एटम की जो रिंग बनती है, यहां पर इसके टू बॉन्ड्स और भी कंप्लीट होने हैं, अभी हाइड्रोजन पूरे करेगा वो, ठीक है भाई। तो यहां पर कार्बन कार्बन एटम के बीच में ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्लियर बात है भाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे, देन आप लोगों को समझाएंगे। तो ये हम लोगों के पास होते हैं एरोमेटिक, क्लियर है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नाउ स्टूडेंट, ये था हम लोगों के पास हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आते हैं पेपर में, उनके उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्लियर बात है। नाउ स्टूडेंट, देखते हैं वो क्वेश्चंस जो हमसे हाइड्रोकार्बन को लेकर पूछे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड है हम लोगों के पास, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब वो कंपाउंड्स होंगे ना जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते होंगे। आप लोग इसका आंसर भी मुझे कमेंट में दें। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड जो हाइड्रोकार्बन के पार्टीशन है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें एनी टू डिफरेंसेस आपको बताने हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाया जाए किसी हाइड्रोकार्बन का, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं। तो आप कैसे है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है, क्लियर बात है बेटा। तो नाउ इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर अप करते हैं, नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक कवर करेंगे।